हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छी होंगी। और मैं आ गई हूँ फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो बस आजकल मैं रेगुलर नहीं वीडियो डाल पा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है इस वजह से। तो सोचे चलो आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ और ढेर सारी बातें करूँ। तो क्या क्या है मेरी वीडियो पे, लास्ट तक बने रहिए आप लोग। और इस टाइम पे ये दोपहर का टाइम है और कपड़े मेरे कुछ मैंने धो लिए थे, कुछ कपड़े बचे हुए हैं तो उन्हीं को मैं वॉश कर रही थी। और आज ना मैं मॉर्निंग में ही नहा ली थी, तो कुछ कपड़े मैं धो दी थी और ये कपड़े बाद में मैंने देखे, कुछ कपड़े ये बाद में रखे हुए थे। तो बस ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, 2-4 कपड़े ही हैं और इसी वजह से। और आजकल क्या है, गर्मियां हैं तो बच्चे लो ना क्या होता है, मेरा बेटा जो है सुबह तो नहाता ही है बट बाद में भी जो है वो नहा लेता है। तो ऐसे ही होता है गर्मियों में, बच्चे या फिर बोलो तो 2 बार से भी लोग नहा लेते हैं। तो वही मैं कपड़ों को वॉश कर रही थी और तो ये कपड़े हाथ से ही धोने में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी जो है मुझे तो हाथ से कपड़े धोना काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को देखिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखा, कपड़े भी मेरे भींग गए हैं। तो ऐसा ही होता है, इस वजह से ना मैं नहाने से पहले ही कपड़े धो लेती हूँ। और आज तो थोड़ा सा जो है कपड़े मैंने सही से नहीं किए थे वरना कपड़े नहीं भींगते। और भी फ्रेंड्स, तो पानी यहाँ से जो है दे रहा है और कपड़े मेरे जो है खंगालूँगी कपड़े वगैरह खंगा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में कि मेरा जो बिछिया था वो टूट गया, तो उस वाली बिछिया को और एक दो बिछिया और थी उनको चेंज करके मैंने ये बिछिया लिया है। तो वही मैं आप लोगों से दिखा दूँ, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सचेंज पुराने वाले को दे करके ये वाले मैंने लिए हैं, तो उस पर मुझे जो है उसी से मेरा जो है ये हो गया, मुझे पैसे वगैरह मेरे नहीं लगे। और मेरा जो पहले वाला था वो काफ़ी हैवी था और ये काफ़ी हल्की है, तो इस बार मैंने थोड़ा सा जो है अलग लिया है, ये बिना स्टोन वाली है। तो चलिए, कपड़े मैंने धो लिए थे, तो कपड़े जो है अब मैं खंगाल लूँ। तो जब हम काम करते हैं ना तो हमारा ध्यान नहीं रहता है किसी चीज़ पे, तो बस। और बार बार मैं कैमरे की तरफ देखती हूँ क्योंकि कपड़े धो रही थी ना, तो फ़ोन सामने रखा हुआ था, स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से जो है फ़ोन में कपड़े पटकते हैं ना जब, तो पानी छींटा लगती है, इस वजह से मैं वही देख रही थी। तो चलो, कपड़े तो मैंने धो लिए हैं और बस कपड़ों को धो करके रख दिया है, ये देख लीजिए आप लोग। तो बस जो छोटा सा आज वीडियो था, तो इस टाइम पे मैं जो रेगुलर नई वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ, तो कुछ रीजंस है इस वजह से। तो मैं कहीं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जो हूँ यहीं, तो आएगी मेरी वीडियो। और प्लीज़ आप लोग अपना जो है सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये जो है गंदा पानी मैं फेंक देती हूँ, और कपड़ा धोने के बाद वही है थोड़ा सा जो सर्फ वगैरह साबुन वगैरह का पानी रहता है, तो थोड़ा झाड़ू लगा दूंगी ताकि जो भी थोड़ा सा साफ हो जाए। तो बस, क्योंकि पानी से अगर हम पानी मार मार के साफ, तो काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए पानी मैंने डाल दिया था। और उसके बाद फिर अब मैं सिर्फ झाड़ू से थोड़ा बहुत, ज़्यादा गंदा है ही नहीं, बट आदत है ना ये सब काम करने का, झाड़ू लगाने की, तो बस मैं वही कर दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, और ये मेरे जो सलवार पे आप देख रहे हैं छोटा सा जो है दाग लगा हुआ है, तो वही मैं बता दूँ आपको, वो ना नेल पॉलिश मेरे बच्चों ने मेरे कपड़ों पे ही गिरा दिया, तो क्या करूँ, छूट नहीं रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ही था मेरा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मुझे बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, काफी ज्यादा है, तो बाय बाय फ्रेंड्स, खराब हो रही थी, लव यू।